से भी ज्यादा करीब है। ये सूरज जिस तारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन खोई तो तुम को माँ कोई नहीं देगा, वतन ही मिट गया तो तुम्हें मिट जाओगे ना दानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदर आली मर्तबे, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई वर्ष पीछे महसूस पाकर मैं देखती हूँ, जब सदर में देखती हूँ अजमो यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अंथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लहू लहान, जब जुल्म और जबर की शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता तो तू जलकर कहते तू चंद माह और साल लगातार जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, मगर आज तारीख की मंजर देखती है कि हम अल्लाह के फजल और करम से ना सिर्फ कायम और दायम है, बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से ये साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर आली बकार, हम हर मार्ग पर साबित कदम है और तरक्की की मनाजिल तय करके आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए, हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान की बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की लगदार बने, हम शायरी में शिराजी बने, हम नगमा गिरी में फिरदौसी, हम साज बने तो उल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम रक्स बने तो रक्स बने, हम सब के रक्स बने, तालीम के मैदान में बने, हम कायद के सिपा सालार बने, दुश्मन के लिए ललकार बने, हमारी अफवाज आज भी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है, हम वो कौन है जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भुगाती है, हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तैब से कब घबराते हैं, बाल ने भी फरमाया है हम तोप से भी लड़ जाते हैं। सदर आली मक्कार, हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम में अपने वतन की आन पान और शान की लचान की परवाह नहीं करते, क्योंकि वतन है तो हम हैं, जब परचम में जान लेकर निकले हम खौफ नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद पे है बत्तारी है, जिस जोम में थे दुश्मन अपने शायद उन्हें मालूम न था ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, I Hamdan Chadar from the School of Knowledge is here to celebrate Pakistan Independence Day. On this eventful day, Pakistan was declared independent country with the effort of the first Governor General of Pakistan. For the first time, it was recognized as a country separate from India, not as a part of it. After its long struggle, this day holds immense significance. As we remember the brave souls who sacrificed their life for our freedom, where Muslims could practice their religion freely. This day, we bear witness to proud Pakistanis with the white flag held high. Let's cherish the value of unity, dignity, discipline, progress, and that our country stands for.